साथियों आदाब। आज हम पढ़ेंगे सिफत के बारे में, यानी एडजेक्टिव। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जिस चीज के अंदर उसकी कोई खसूसियात हो उसे सिफत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसे किस तरह पढ़ना है। द जेल, इबारत गौर से पढ़िए। सफिया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर खिलौने की दुकान पर गई। वहाँ खूबसूरत खिलौने थे। एक सफेद बिल्ली लाल साइकिल चला रही थी। देखिए, सफेद बिल्ली और ये लाल साइकिल चला रही। कुछ जापानी घड़ियां थी, हिंदुस्तानी गेंदे और बल्ले भी थे। चिकनी मिट्टी बने हुए कुछ फल थे जो बिल्कुल असली फल मालूम हो रहे थे। एक तरफ चंद किताबें और कुछ कापियां थी। कौशल ने जापानी गुड़िया, राशिद ने दो बल्ले और कुछ कापियां ली। सफिया ने कहा, इतनी सारी चीजें? तो आप देखिए, बिल्ली, कापियां, सफेद बिल्ली, लाल साइकिल चलाती हुई जापानी गुड़िया। इस इबारत में आपने देखा कि इस्म के साथ उसकी किसी खसूसियात का भी जिक्र हुआ है, जैसे खूबसूरत, खिलौने, सफेद बिल्ली, लाल साइकिल, जापानी गुड़िया, हिंदुस्तानी गेंदे, चिकनी मिट्टी, असली फल, चंद किताबें, कुछ कापियां और इतनी सारी चीजें वगैरह। अब यहाँ पे डेफिनेशन जो मेन चीज है वो ये लिखी हुई है, वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खूबसूरती, खूबसूरत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। भाई किसी भी चीज़ के अंदर जो है उसकी अच्छाई बुराई जाहिर हो या खसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत। जैसे ये पेन है, पेन कैसा है? नीला है, तो नीला इसकी क्या है? सिफत हो गई, ठीक है। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ और इतनी सारी। ऊपर दी इबारत में इस्म की जो खसूसियात बयान हुई उसे अलग अलग ज़ुमरों में बांट कर देखा जाए तो मालूम होगा सिफत की अलग अलग किस्में। अब यहाँ पे जो है आपको सिफत की जो है किस्में बताई गई, वो अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खसूसियात, हालत या कैफियत जाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बावकार, अजीब, गर्म, ठंडा, जहीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा वगैरह। ये क्या है? सिफत ज़ाती, वो सिफत जिससे किसी दूसरी चीज़, वो सिफत किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या नस्बत पाई जाए उसे सिफत नस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बल्ला, जापानी गुड़िया, कश्मीरी शाल, अरबी घोड़ा वगैरह। इन कलमों में हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी और अरबी सिफत नस्बती है, यानी इसके किसी ना किसी से जोड़ है, हिंदुस्तान से इसका, जापान से इसका, कश्मीर से इसका, अरबी अरब से। अब इसके नीचे एक और है, वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो उसे सिफत अदीदी कहते हैं। जैसे दो बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियां, दस खवातीन और इतने सारे लोग वगैरह। इसमें दो, चंद, कुछ, दस और इतने सारे सिफत अदीदी है। वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मकदार या नाप या वजन को जाहिर करे उसे सिफत मकदारी कहते हैं, यानी मकदार, क्वांटिटी, कितनी है। जैसे दो किलो मिठाई, पाव भर चीनी, पाँच मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक, एक लीटर दूध वगैरह। इसमें दो किलो, पाव भर, पाँच मीटर, चुटकी भर और एक लीटर सिफत मकदारी है। उम्मीद है कि आपको ये सिफत की सारी किस्में समझ में आ गई होंगी चारों। और अगर आपको इसको क्या नाम है समझ में अच्छे से आ गया तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपके काम आएगा। बहुत अच्छी किताब है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए ताकि सब लोग को समझ में आ जाए कि हमने जो ये समझा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ जाए और आप भी इसमें शामिल हों। उर्दू के फ़रोग़ के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।